हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं जो मेरा रिसेंट ट्रिप था टोंगनाथ ट्रैक का, वो मैंने थ्रिलोफीलिया के थ्रू बुक किया था। एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं सब कुछ इसमें डिस्कस करूँगा, सो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो पूरी ट्रिप थी वो थी दिल्ली टू टोंगनाथ ट्रैक एंड टोंगनाथ ट्रैक से वापस दिल्ली। जो चार्जेस थे, मतलब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज थे आप उसको बुक करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ लाइक ट्रिपल, डबल और क्वाड। तो हमने जो बुक किया था वो ट्रिपल शेयरिंग का बुक किया था, जो उसमें पर पर्सन का चार्ज था वो था 6500 रुपीज़। ठीक है, तो जो हमारी थ्रिलोफीलिया की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो अक्षरधाम से स्टार्ट हुई थी और वापस ख़त्म भी अक्षरधाम पे होनी थी वहाँ से लौटने के बाद। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्रिलोफीलिया बता देता हूँ। थ्रिलोफीलिया एक कंपनी है जिसके अराउंड 20 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपको फिर से आपसे रीच करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे। और जो भी फोटोज़ वगैरह अगर आपको मांगनी है कि ट्रिप की कैसी कैसी, आप तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो थ्रिलोफीलिया मतलब ट्रिप स्टार्ट होने के बाद जब हमने पेमेंट कर दी, ठीक है, तब जाके मालूम मिला कि थ्रिलोफीलिया क्या करता है। थ्रिलोफीलिया का सबसे बैड जो एक चीज़ है वो ये है कि थ्रिलोफीलिया कंपनी है जो कि अपने, जैसे आपने वहाँ पे बुकिंग करी राइट, तो वो एक क्या करेगा, सब वेंडर को हायर कर लेगा। उनके मतलब कुछ सब वेंडर्स होते हैं अलग अलग ट्रिप्स के, तो जैसे आपने पेमेंट करेंगे तो थ्रिलोफीलिया एक दूसरी कंपनी जो होगी उसको बोलेगा कि भाई आपको ये वाली ट्रिप पूरी करवानी है इन लोगों के लिए राइट। तो हमारे केस में जो सब वेंडर उनका था वो था ऑफ बीट वैकेशंस। ठीक है, थ्रिलोफीलिया हमने पेमेंट किया, उसके बाद थ्रिलोफीलिया सब कुछ गायब हो गया, कुछ थ्रिलोफीलिया का नाम नहीं आया। ऑफ बीट वैकेशन वालों ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया। ठीक है, जो हमारी ट्रिप स्टार्ट होनी थी वो 24th को रात में 10:30 बजे से 11 बजे की टाइमिंग थी कि इस टाइम पे स्टार्ट होगी। हम सब 10:30 बजे तक पहुंच गए थे, बट जो ट्रिप स्टार्ट हुई वो हुई 12:30 पे। हम इतनी देर तक बस में बैठे रहे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और बस रात में बैठे हुए 12:30 बजे इनकी बस चली, फिर जाके हम आगे पहुँचे। ठीक है, ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही गाइड ने हमें बोल दिया कि जो जर्नी है अभी वाली चोपटा तक की वो कल रात शाम तक ही ख़त्म होगी। ठीक है, आप शाम को ही पहुँचोगे, आप कुछ भी कर लो। हमें समझ गया, हमें लगा कि मतलब जो जर्नी है वो लंबी होगी इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, जब जर्नी स्टार्ट हुई तब जाके मालूम चला कि ये इन लोगों के स्टॉपेज ही 2-2 घंटे के होते हैं, बेफालतू में 2-2 घंटे के स्टॉपेज थे। सब ने खाना भी खा लिया सारे बस के अंदर वापस आ गए, बट स्टिल इनके स्टॉपेज 2-2.5 घंटे के हो रखे थे। तो समझ आ गया कि इन लोगों को लंच प्रोवाइड नहीं करना था नेक्स्ट डे का, इसलिए इन लोगों ने डिनर के टाइम पे ही बस पहुंचाने का वो टाइम रखा हुआ था कि शाम तक ही बस पहुंचाएंगे, जिससे कि खाली डिनर देना पड़े। क्योंकि जहाँ पे हम गए थे वो कैंप साइट था, वहाँ पे कुछ बाकी कुछ भी नहीं था, ना पे ना ही कोई शॉप थी, वो एक जंगल था पूरा। ठीक है, जंगल के बीच में उन्होंने 5-6 टेंट लगा रखे थे और उसी में उन्होंने स्टे करवाया हुआ था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे, बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं, खाली 2-3 बल्ब जल रहे थे बस। ठीक है, और उसमें जाने के बाद वहाँ पे मतलब ब्लैंकेट रखे हुए थे 2-3 दिन, और जो बेड्स थे उस पे जो गद्दे थे वो इतने मोटे मोटे वाले गद्दे थे, हार्ड वाले, मतलब इनको इतना भी नहीं था कि एक अच्छा गद्दा प्रोवाइड करें लोगों के लिए, जिससे कि वहाँ पे वो अच्छी तरह स्टे कर सके। जब वहीं पे जो मतलब जो टेंट था उसके अंदर ही टॉयलेट एक अटैच था, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था राइट। बहुत बार बोला कि पानी कहाँ है, कब तक आएगा, कोई पानी का लेना देना नहीं था। इन्होंने फिर क्या करा, बाल्टी से भरवा के हमें 2 बाल्टी दी, तो हमने उससे यूज़ किया। ठीक है, फिर हमने अपना थोड़ा रेस्ट किया 1/2 घंटे तक, बैग्स वगैरह से कपड़े निकाले क्योंकि वहाँ बहुत ठंड हो रखी थी। फिर हम वहाँ से जाके, हम एक कॉमन एरिया था, कॉमन एरिया में जाके
वहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी थोड़ी बहुत की। खाने में इन लोगों ने क्या किया, रोटी प्रोवाइड की और पत्ता गोभी की सब्जी प्रोवाइड की। कौन खाता है पत्ता गोभी जहाँ किसी ट्रिप पे जाके, राइट। और वहाँ पे थोड़ा राजमा की सब्जी और थी, और जो रोटी का साइज वो शेप थी वो किसी रोटी के ट्रायंगल बनी हुई थी, कोई स्क्वायर में थी, कुछ भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से उन्होंने शेफ हायर करे हुए थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे हमें बोला गया था कि हर टेंट के बाहर आपको बॉनफायर करवाएंगे, बट असली में क्या हुआ, टेंट और जो कॉमन एरिया था उसके एक अलग साइड में थोड़ी बहुत लकड़ी रखी हुई थी, उसमें हमें बिठा रखा था। मतलब वहीं पे बॉनफायर करा हुआ, वहीं पे चेयर्स लगा रखी थोड़ी बहुत। अब हाँ, एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें बोला गया था कि टोटल टेम्पो ट्रैवलर में 14 से 15 लोग होंगे, बट इन रियलिटी वहाँ पे 25 लोग थे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो गाइड था हमारे साथ गया था उसके पास भी सीट नहीं थी, वो बेचारा वो नेट पे बैठ के आया है और एक टायर रखा था टेम्पो ट्रैवलर के अंदर, उसमें बैठ के आया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी कंडीशन वहाँ पे ख़राब थी, ठीक है। तो इन लोगों ने जैसे बोला कि कैंप के आगे ही बॉनफायर रखेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने कॉमन एरिया में, अब आप बताओ, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इतने सारे 25 लोग कैसे बैठ जाएंगे, कोई बैठ ही नहीं पाया, ठीक है। सारे 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 के सारे अपने कैंप में चले गए। कैंप में जाने के बाद मालूम चला ठंड क्या होती है। मैंने जो अभी तक की लाइफ में सबसे ज़्यादा ठंड महसूस की है वो वहीं पे थी, इतनी ठंड लगी, एक ब्लैंकेट दिया उन्होंने, ठीक है, उसमें ठंड कहाँ बचने वाली है, कुछ नहीं बची, बहुत ठंड थी वहाँ पे। रात भर कांपते रहे सारे के सारे, रात खत्म होने के बाद मॉर्निंग हुई, तब जाके मालूम चला कि टेम्परेचर बिल्कुल ही -5 to 6 डिग्री हो रखा था, ठीक है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे का क्या था, नेक्स्ट डे हमें ट्रैक करना था टुंगनाथ का, तो उसमें क्या था कि हमें ब्रेकफास्ट भी मिलना था, लंच भी मिलना था, डिनर भी मिलना था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। ब्रेकफास्ट में इन लोगों ने हमें खाने को दिया पूड़ी और सब्जी, ट्रैक करने से पहले पूड़ी और सब्जी दे रहे हैं खाने को, ठीक है। और जो लंच था, हम सब ने सोचा था कि किसी जगह पे मतलब ट्रैक वगैरह ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये लोग हमें लंच प्रोवाइड करेंगे, बट दे वर लाइक, आप लंच बॉक्स लेके आए हो अपने अपने, और लंच बॉक्स तो कोई लेके आया नहीं था, बहुत कम लोग थे जो कि कुछ कैरी करा होता, जिन्होंने खाना वाना पराठे वराठे वो उन्हीं के पास लंच बॉक्स था, हमारे पास तो था नहीं। उन लोगों ने वही सब्जी वही पूड़ी बांध के सबको, जो जो लंच बॉक्स जिनके पास भी थे गलती से रखा हुआ था उनको दे दी, और जो बाकी लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था। वो तो थैंकफुली हमारे पास चॉकलेट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे, तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सो जिन दिन जो लोगों ने खाना खाया, चाय पी थोड़ी सी, ठंडी ठंडी चाय थी, गर्म भी नहीं थी, उस सब कुछ करने के बाद हमें ये लोग टेम्पो डब्ल्यू में बिठा के, और टेम्पो डब्ल्यू में बिठाया, टेम्पो डब्ल्यू स्टार्ट ही हुआ, क्योंकि वो एक खटारा टेम्पो डब्ल्यू था, धक्का मारा सब कुछ किया तब जाके वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर जाके इन्होंने हमें टुंगना ट्रैक स्टार्ट करवाया। टुंगना ट्रैक स्टार्ट कराने के टाइम पे एक गाइड का काम क्या होता है कि उसको पूरी जो टीम जा रही है उसको मैनेज करे, कोई बंदा खो ना जाए, किसी को चोट ना लगे, ठीक है। गाइड अपना अलग चल रहा है, बाकी लोग अपना अलग चल रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा, गाइड अपना अलग ही घूम रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा था। और फिर हमने पूरा टुंगना का ट्रैक कंप्लीट किया, वापस आए तो वापस आते हुए बहुत वहाँ पे स्नो रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था वैसे तो, बट जब हम वापस आए तो स्नो रुकी ही नहीं, 4 to 5 आवर्स कंटिन्यूसली स्नो होती, स्नोफॉल होते रहा। और गाइड ने हमें बोला कि आप जाके टेम्पो टेम्पो में बैठ जाओ, रात में हो गई थी, आप आपको मालूम है रात में 6-7 बजे पहाड़ों पे रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। सो गाइड ने हमें बोला जाके टेम्पो टेम्पो आगे खड़ी हुई है, आप जाके टेम्पो टेम्पो में बैठ जाओ। 2 किलोमीटर हो गए हमें पैदल चलते चलते रात में अंधेरे में, और स्नोफॉल हो रही है, हमें टेम्पो टेम्पो ही नहीं मिल रहा। वो तो थैंकफुली सबसे लास्ट में जाके हमें टेम्पो टेम्पो मिल गया, ठीक है। उसके बाद टेम्पो टेम्पो में बैठे, टेम्पो डब्लर वाले ने बोला कि अब तो टेम्पो डब्लर जाएगा नहीं क्योंकि गाड़ियाँ फिसल रही हैं, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गई। सो वी वर लाइक, अब क्या करें, कुछ मालूम नहीं था। पूरी रात भर हमने टेम्पो डब्लर में बिताया है, ना कुछ खाने का ना कुछ, कोई पैसा खर्च करने वाला नहीं था थिरोफीला की तरफ से या ऑफबीट वैकेशन की तरफ से, किसी ने हमें कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वी वर स्टक एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और हम पूरी रात भर टेम्पो टेम्पो में बैठे रहे, अपने पास जो भी खाने पीने का थोड़ा बहुत कुछ था वही खाते रहे, चिप्स वगैरह हो गए, क्योंकि अब वापस 2 किलोमीटर पीछे जाए टुमनार ट्रैक के तरफ
तो वो रात में पॉसिबल नहीं था, और रोड भी बहुत स्लिपी हो रखी थी, सारे के सारे फिसल रहे थे। ठीक है, थ्रिल ऑफ एरिया ने किसी ने कॉल नहीं किया, और ऑफ बीट वैकेशन ने किसी ने कॉल नहीं किया, और इनकी प्रायोरिटी जब हमने बुक की थी कि वीमेन सिक्योरिटी की अपमोस्ट प्रायोरिटी है, राइट। बट किसी ने कुछ नहीं किया, ना टॉयलेट से ना कुछ था, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बट वो रात कट गई कैसे भी। ठीक है, सुबह उठे, टाइम टू टेबल जो कि मैंने बताया कि खटारा था वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, हम स्टार्ट करते रहे करते रहे करते रहे, ड्राइवर स्टार्ट करते रहा, स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर हमने डिसाइड किया कि अब सारा सामान लेके खुद ही पैदल पैदल निकल लो, अदरवाइज तो हम पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो गाइड ने बोला एक काम करते हैं कि हम चलते सीधे, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब टुमना ट्रैक खत्म होने के बाद जो हमारा स्टे था वो एक होम स्टे में था रात में। ठीक है, जहाँ पे हमें डिनर मिला था डे, मतलब रात में तो हम फंस गए। तो अगले दिन गाइड ने बोला कि अब हम एक काम करते हैं, होम स्टे चलते हैं, वहीं पे स्टे करेंगे। ठीक है, और शाम को हम वापस जाएंगे क्योंकि 27th हो चुकी थी। ठीक है, तो हमें वापस भी दिल्ली के लिए निकलना था। तो हम 6:30 बजे करीब सारे के सारे अपना सामान लेके निकल चुके पैदल पैदल माउंटेन्स पे, रोड पे। ठीक है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 1.5-2 किलोमीटर पैदल चले। फिर जाके थैंकफुली हमें भगवान की दुआ से दो कैब मिली, जिसने 200 रुपीज़ पर पर्सन लिया, और उसने हमें होम स्टे पे उतार दिया। होम स्टे अच्छा था, लोकेशन सही था, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, उसमें दाल थी, आलू गोभी की सब्जी थी और रोटी थी। ठीक है, हमने वो खाया, और चावल थे, हमने वो खाया। फिर थोड़ा बहुत रिलैक्स हुए, और रिलैक्स होने के बाद मतलब मैं तो 1-2 घंटे सो लिया। उसके बाद हम वापस दिल्ली की तरफ निकल गए। ठीक है, दिल्ली की तरफ निकले, और रात मतलब सुबह 5-5:30 बजे हम पहुंच गए वापस अक्षरधाम पे, उसने उतार दिया और फिर सारे के सारे अपने अपने घर चले गए। सो ये पूरी ट्रिप थी। जो मेन चीज़ है, अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है, ठीक है, क्योंकि हम बुकिंग करने से पहले हमने वॉन्डर ऑन वालों से भी बात की थी, तो उनका यही पर्टिकुलर ट्रिप जो था वो 8500 का था। ठीक है, ट्रिपल ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे, और जो थ्रिलोफीलिया का था ये था 6500 रुपीज़ का, तो इट मीन्स कि ये 2000 रुपीज़ महंगा था वो। तो अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है, आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप थ्रिलोफीलिया के थ्रू जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो उन्होंने वॉन्डर ऑन के थ्रू भी पहले किया हुआ है दूसरी ट्रिप्स पे, तो देवर लाइक कि जो वॉन्डर ऑन वाले हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं। ठीक है, उनके दो दो गाइड होते हैं और वो हमेशा हेल्प करते हैं, उसमें स्टे वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट इन लोगों ने तो हमें स्टार्टिंग से झूठ बोला, टेम्पो ड्राइवर भी इन्होंने बोला कि 15 लोग होंगे, बट असली में 25 लोग थे। और आप बिलीव करो कि एक गाइड जो कि इतनी दूर का ट्रैवल करना है, उसको सीट ही नहीं मिल रही। सो इतना बुरा लग रहा था कि हम उसको सीट भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि खुद सीट जो थी वो छोटी छोटी थी, और कितनी देर के लिए सीट दे दोगे, राइट। वो बेचारा टायर और बोनेट बैठा रहा, ही वॉज अ वेरी गुड गाय, पॉजिटिव बंदा था, अदरवाइज तो वो भी परेशान हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ सब कुछ हुआ, और मैं वही बोलूँगा, अगर आपका बजट कम है तब आप थ्रिलोफीलिया के थ्रू जाइए, अदरवाइज आप बिग नो टू थ्रिलोफीलिया, कोई ज़रूरत नहीं है, आप फंसोगे फंसोगे, क्योंकि उनका वही काम है पैसे बचाना है, कुछ भी करके जितना जितना हो सके उतना पैसा बचाना है, राइट। तो आप वॉन्डर ऑन के थ्रू कर सकते हो, और एक अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप एक बिकट करके जो है BIKATE है उसका नाम, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि आप मतलब बिकट करके भी एक वो है एजेंसी जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट उसका थोड़ा बजट ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द क्राउड ऑफ दिस ट्रिप, क्राउड नंबर 1 था। ठीक है, बहुत ही अच्छे लोग थे, कोई लोग सोलो ट्रिप कर रहे थे, एंड देर वॉज अ गर्ल जो कि सोलो ट्रिप कर रही थी, एंड शी वॉज वर्किंग इन गुड़गांव। सो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, कोई लोग चेन्नई से आ रखे थे, कोई बैंगलोर से आ रखे थे, तो ट्रिप बहुत मतलब क्राउड बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है क्राउड बेकार था, बट क्राउड बहुत अच्छा था। बट यू नो थ्रिलोफीलिया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि उनकी ट्रिप को जो उनको मैनेज करना ही नहीं आया कि कैसे करना होता है। सो आई होप आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।